नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 डेसिमल वाले टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिजिट्स हैं. 6 टूज आर 12. क्लियर? 6 इंटू 2 12. अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. 1. तो पीछे से 1 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे. पहले सिंपल जो भी नंबर्स गिवन है उन्हें मल्टीप्लाई करो. फिर आप देखो जो डेसिमल वाली टर्म है उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो आपका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया पीछे से उतने डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे. जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 46 को 8 से. 46 को 8 से सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया 368 लिख दिया. अब डेसिमल वाली एक ही टर्म है दैट इज 4.6. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक डिजिट है. पीछे से एक डिजिट काउंट करके हमने डेसिमल लगा दिया. क्लियर? सिंपल जो भी डिजिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करो. जैसे इसमें 271 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. 5 ones are 5, 7 fives are 35. सो 1355. डेसिमल के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं. 1 and 2, 1 2. तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 13.55. सिमिलरली 36.8, 1.2. क्लियर? जो भी आपको डिजिट्स जो भी नंबर्स गिवन है उन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करो और जो भी डेसिमल वाली टर्म है उसमें देखो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आंसर में पीछे से डिजिट्स उतने काउंट करो और डेसिमल लगा दो. क्लियर? अब 20, 201 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 ones are 4, 4 zeros are 0, 4 twos are 8. अब देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1. तो पीछे से 1 डिजिट काउंट किया और हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 80.4. क्लियर? नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 sevens are 35. डेसिमल कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1, 2, 1, 2. तो डेसिमल आया यहाँ. डेसिमल के आगे हमने 0 लगा दिया. क्लियर? नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 4 twos are 8, 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8. सिंपल मल्टीप्लाई किया. कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1, 2. पीछे से 2 डिजिट्स काउंट किए और डेसिमल लगा दिए. यहाँ पे भी ऐसे ही 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 twos are 12, 8 twos are 16, plus 1 17. डेसिमल के बाद 1, 2. पीछे से 2 डिजिट्स काउंट किए तो हमारे पास आंसर आया 1.72. क्लियर है? जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं आंसर जो भी आपका नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे डिजिट्स उतने नंबर ऑफ डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे. क्लियर? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी सामने की साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इज 5.7, ब्रेथ इज 3. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 7 threes are 21, 2 5 threes are 15, plus 2 17. डेसिमल के बाद एक डिजिट है पीछे से एक डिजिट काउंट करके हमने डेसिमल अप्लाई किया. यूनिट थे इसके सेंटीमीटर. एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है? जब भी हमें 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स डेसिमल वाले डिजिट्स से मल्टीप्लाई करनी है सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो. जो आंसर आए डेसिमल के बाद
जितने डिजिट्स हैं आंसर में पीछे से उतने डिजिट्स काउंट करो और डेसिमल अप्लाई करो. नोट कीजिए इसे.